कोरोना महामारी के कारण सात माह से आम भक्तों के लिए बंद जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पट 17 अक्टूबर को खोल दिए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा कोरोना आपदा के तहत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की गई सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था और मंदिर के प्रवेश द्वार पर की गई सिक्योरिटी की व्यवस्था भक्तों के सैलाब के उमड़ने के कारण ध्वस्त होने पर मंदिर को पुनः अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा, परंतु न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन पर प्रबंधन द्वारा मंदिर को आम भक्तों के लिए 25 अक्टूबर से पुनः खोला जा रहा है। इस बार मंदिर खुलने पर अव्यवस्था ना हो इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह द्वारा शनिवार को मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा, सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी आदि को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, कल से बाटीवारी मंदिर खुला जा रहा है, प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई? देखिए, कल से श्री बांके बिहारी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक आने में शहर क्षेत्र से और उनके निकास के लिए एक जगह भीड़ ना हो, कोविड के नियमों का पालन हो, इसके लिए इसको अनुपालन कराने के लिए आज हम अपने सदर के सीओ साहब इंस्पेक्टर वृंदावन और अपर नगर आयुक्त साहब के साथ हम लोग आने वाले रास्ते, जाने वाले रास्ते और मंदिर में प्रवेश द्वार, साथ ही अधिक भीड़ होने पर उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन सब और सुरक्षा व्यवस्था कहाँ कहाँ कब तैनाती की जाएगी, इसके दृष्टिगत आज हम लोगों ने भ्रमण किया है और कल से मंदिर खुलेगा। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन सबके लिए होंगे और जय बांके बिहारी जी।